लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। माय नेम इज संदीला एसन। मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, तो हम अपने सेशन की तरफ आते हैं। आवर टुडेज टॉपिक इज एसेंशियल्स ऑफ डाइट प्लान, मींस टूल्स एंड टिप्स टू मेक अ हेल्दी डाइट प्लान, टू डिजाइन अ प्रॉपर डाइट प्लान। हमारा आज का टॉपिक क्या है कि हमने ऐसी चीजों को आज डिस्कस करना है जिनको हम अपने माइंड में रख के, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी फिंगर टिप्स पे हो एक हेल्दी डाइट प्लान बनाते हुए। ठीक है जी, सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आज की जो सारी डिस्कशन होगी वो एक हेल्दी सिंपल डाइट प्लान बनाने के लिए होगी, नॉट एनी डिजीज डाइट प्लान, एक सिंपल डाइट प्लान बनाने के लिए। जब तक हम सिंपल डाइट प्लान बनाना नहीं सीखेंगे, हम क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड डाइट प्लान नहीं बना सकते। तो एट द एंड कोई ये क्वेश्चन ना करे कि मैम अगर उसका बीपी हाई हो, मैम अगर उसको शुगर हो, मैं ऑलरेडी कह रही हूँ ये सिंपल हेल्दी पर्सन का डाइट प्लान होगा जिसको किसी किस्म की कोई क्रिटिकल मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, तो एक हेल्दी प्रॉपर डाइट प्लान बनाने के लिए सबसे पहले जो हम देखते हैं ना चीज, सबसे जरूरी चीज है वो है बैलेंस डाइट। व्हाट इज बैलेंस डाइट? अ डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड एक्टिविटी। अ बैलेंस डाइट contains sufficient amount of fiber and the various nutrients to ensure good health. Food should also provide the appropriate amount of energy and adequate amounts of water. A balanced diet should be both adequate and wholesome. क्या होती है balanced diet? ऐसी diet जो एक healthy person को, एक ऐसा person जिसको medically कोई भी problem नहीं है, उसको हर वो nutrient properly provide करे जो उसकी body की need है, उसकी body की enough need के मुताबिक उसको हर nutrient जो diet provide कर रही है वो diet होती है balanced diet. डाइट क्या होती है? डाइट एक 24 घंटे का जो हमारा खाना होता है ना, उसको डाइट कहते हैं। एक घंटे की या एक पूरे हफ्ते की या एक पूरे महीने की डाइट नहीं होती, एक दिन की डाइट, एक दिन का जो खाना होता है ना उसको डाइट कहते हैं। और उस एक दिन के खाने में जो सी डाइट हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर प्रोवाइड कर रही है वो बैलेंस डाइट कहलाती है। उसके बाद होता है जी हेल्दी बैलेंस डाइट प्लान। अब हेल्दी बैलेंस डाइट प्लान क्या है? सिंपली अवॉइडिंग कंजप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स डजंट इम्प्लाई यू ऑन अ बैलेंस डाइट। You must know that carbohydrates and fats energize the body to perform activities. अच्छा, हमारे यहाँ जो माइंडसेट बना हुआ है ना कि डाइट किसको कहते हैं, डाइट हमारे यहाँ कहते हैं भूखा रहने को। डाइट यहाँ पे कहा जाता है भूख हड़ताल को, खाने के लिए तरस जाने को डाइट कहा जाता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइट क्या है कि हम डेली अपने हम डाइट करने से पहले जो खाना खा रहे थे ना, जो हम डेली ले रहे थे, उसको हमने सिर्फ मैनेज कर लेना है। उसकी क्वांटिटी को, उसके टाइम को हमने सिर्फ मैनेज कर लेना है। अपने खाने में से हमने कट ऑफ कुछ भी नहीं करना, अपनी डाइट में से हमने सिर्फ उसको मैनेज कर लेना है, उसकी क्वांटिटी को मैनेज कर लेना है। ठीक है, लेट सपोज अगर एक कोई बंदा है जो सुबह नाश्ते में 3 रोटियां खा रहा है, हमने वही 3 रोटियां उसको नाश्ते, लंच और डिनर में दे देनी है। हमने उसका टाइम मैनेज कर दिया, क्वांटिटी तो उतनी ही रही ना उसके खाने की, बस वो जो 3 एक टाइम में खा रहा था वो 3 वो अब 3 टाइम में खाएगा। एक टाइम में ज्यादा खाने के बजाय 3-4 टाइम में थोड़ा थोड़ा खा लेने को डाइट कहते हैं। और दूसरी चीज जो एक माइंडसेट यहाँ पे है, अक्सर हमारे बड़े अच्छे अच्छे डाइटिशियंस जो हैं वो डाइट प्लान बनाते हुए ना कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स को बिल्कुल ही कट ऑफ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारी डेली की बॉडी की जो एक्टिविटीज है उसके लिए बहुत जरूरी है, और शुगर हमारे माइंड की एक्टिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। इन दो चीजों को कभी भी अपने डाइट प्लान से आपने कट ऑफ नहीं कर देना है, इनको लेस कर देना है, इनको मैनेज कर लेना है इनकी क्वांटिटी को, लेकिन इनको इनको कट ऑफ नहीं करना। इन सारी चीजों को, न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने का नाम, इन कार्बोहाइड्रेट्स को, शुगर्स को मैनेज करने का नाम है डाइट प्लान। ठीक है, अब इस एक बैलेंस हेल्दी डाइट प्लान हमने डिजाइन कैसे करना है वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट प्लान। बेसिकली डाइट प्लान डिजाइन करने के 2 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, और सेकंड जो होता है वो होती है वैरायटी। यहाँ पे हम ये 6 जो है प्रिंसिपल जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है एडिक्वेसी। एडिक्वेसी मीन्स दैट द डाइट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी एंड इनफ ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द हेल्थी पीपल। वही बात जो मैंने पहले की, एक हेल्दी पर्सन को जो जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर है ना उसके पूरे दिन में, जो डाइट वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है ना उसको कहते हैं एडिक्वेसी। अपने डाइट प्लान में हर न्यूट्रिएंट इतनी अमाउंट में शामिल करना कि उसकी डेली की नीड पूरी हो जाए, उसको सप्लीमेंट्स ना लेने पड़े, उसको इंजेक्शंस ना लगाने पड़े वो न्यूट्रिएंट अपनी नीड पूरी करने के लिए। उसको उसकी बॉडी में ना तो किसी न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी हो, ना तो किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो, उस चीज को कहते हैं एडिक्वेसी। सेकंड वन इज बैलेंस। द आर्ट ऑफ बैलेंस मींस यूज इनफ, नॉट टू मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड व्हाइल प्लानिंग अ डाइट प्लान। वही बात के ना तो कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा हो, ना तो कोई न्यूट्रिएंट कम हो, नॉट टू मच नॉट टू लिटल, बैलेंस हो आपकी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स।
देखिए यार यार, कुछ एक्सक्यूज मी लेट्स बताओ। सपोज जो गोश्त होता है, मछली, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो आयरन रिच तो होते हैं लेकिन वो कैल्शियम प्रोवाइड करने में पुअर होते हैं। इसी तरह मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जो होते हैं वो कैल्शियम रिच तो हैं लेकिन वो प्रोटीन और आयरन प्रोवाइड नहीं करते। इसी तरह ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो हैं, ये एंड स्लाइड्स विटामिंस, नहीं शो हो मिनरल्स, रही। ये डाइटरी फाइबर्स तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करते। तो ऐसी डाइट हमने डिजाइन करनी है, हम के ये सारी चीजें जो हैं उस डाइट में, उस प्लान में जो मौजूद हो, ताकि किसी भी एक न्यूट्रिएंट की हमें कमी ना हो, किसी भी एक न्यूट्रिएंट की हमें ज्यादा ना हो। ऐसे हमने उन फूड्स को यहाँ पे मैनेज करना है कि एक फूड अगर एक न्यूट्रिएंट की कमी है ना एक फूड में, तो वो दूसरी फूड उस न्यूट्रिएंट को पूरा कर रही है। ऐसे हमने अपना डाइट प्लान बैलेंस करना है। थर्ड वन इज कैलोरी कंट्रोल। इट इज द मैं मैनेजमेंट ऑफ मतलब फूड डाइट एनर्जी सही नहीं इनटेक, खा सो इट इज रही। वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन एंड एडिक्वेट बैलेंस डाइट विदाउट ओवर ईटिंग। फॉर दिस एक्सक्यूज पर्पज मी द बेसिक मैम, रूल इज टू फूड्स फॉर हाई न्यूट्रिएंट ऑफ हाई न्यूट्रिएंट डेंसिटी। हाई कैलोरिक डेंसिटी नहीं, हाई न्यूट्रिएंट डेंसिटी हमने जो है वो प्रमोट करनी है। हमने ऐसी फूड्स को प्रमोट करना है जो न्यूट्रिएंट डेंस हो, कैलोरिक डेंस ना हो। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट डेंसिटी। इट इज द मेजर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अ फूड प्रोवाइड रिलेटिव टू द एनर्जी इट प्रोवाइड्स। सिलेक्ट गुड्स डेट सप्लाई द मोस्ट न्यूट्रिएंट्स बट द लीस्ट अमाउंट ऑफ फूड मैम एनर्जी। स्लाइड शो करवा दो, वही बात स्लाइड जो मैंने नहीं आ पीछे रही। की कि न्यूट्रिएंट डेंस एक्सक्यूज फूड मी मैम, हमने प्रोवाइड करनी है। न्यूट्रिएंट डेंस फूड होता क्या, ये एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी। मैम मैम स्लाइड शो नहीं इसी एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि न्यूट्रिएंट डेंसिटी होता क्या है। एक कोला का ग्लास है, उसके भी 150 कैलोरीज हैं। एक ग्रेप्स का गुच्छा है, उसमें भी 150 कैलोरीज हैं, लेकिन जो ग्रेप्स हैं वो साथ में ट्रेस ऑफ प्रोटीन, कुछ प्रोटीन भी प्रोवाइड कर रही हैं, ये विटामिंस और मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स भी प्रोवाइड कर रही हैं, और ये फाइबर भी प्रोवाइड कर रही है। जबकि कोला का ग्लास हमें सिर्फ 150 कैलोरीज ही दे रहा है और तो कुछ भी नहीं दे रहा। तो इनमें से न्यूट्रिएंट डेंस फूड कौन सा है? ग्रेप्स। तो हमने ऐसे फूड जो है प्रेफर करने हैं जो लेस कैलोरी हो और हाई न्यूट्रिएंट हो। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाता है मॉडरेशन। मॉडरेशन इज द की फॉर गुड डाइट प्लानिंग एंड मीन्स प्रोवाइडिंग इनफ बट नॉट टू मच ऑफ अ न्यूट्रिएंट। देखिए डाइट प्लान का बेसिक प्रिंसिपल यही है, बैलेंस, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। ऐसे हमने न्यूट्रिएंट वहां पर डिजाइन कर देने हैं, फूड हमने ऐसे फूड ग्रुप से उठानी है कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी और ज्यादा ना हो। पूरा डाइट प्लान ना इसी एक बात पे बेस कर रहा होता है। दूसरी चीज होती है वैरायटी, मींस मीट ईटिंग अ वाइड सिलेक्शन ऑफ फूड्स विद एन अमंग द मेजर फूड ग्रुप्स। हमने डेली एक ही चीज अपने फूड में रिपीट नहीं करनी। हमने 15 दिन एक ही फूड नहीं खाते रहना। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में एक न्यूट्रिएंट की तो ज्यादा हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, बाकी के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसकी हमें फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब अगर कोई एक पर्सन जो है वो 15 दिन मुसलसल सीरियली ले रहा है, उसको फाइबर्स तो मिल रहे हैं, उसको विटामिंस मिनरल्स तो मिल रहे हैं, लेकिन उस प्रोटीन का क्या जो उसको एग से मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो एग ले ही नहीं रहा। तो क्या करना है, अपनी फूड में वैरायटी लेके आनी है। हर फूड ग्रुप से डेली आप डिफरेंट चीजें उठाएं अपने डाइट में डालने के लिए। और हमने ये भी देखना है कि हम जिस फूड ग्रुप में से हम जो फूड उठा रहे हैं, हमने उनको भी वेरी करना है। लेट्स सपोज अगर एक हमारी हमें जो वेजिटेबल्स की जो सर्विंग्स हमें अलाउ है वो 3 to 5 per day सर्विंग्स अलाउ है, सही है। तो हम लोग वो वेजिटेबल्स तो खा रहे हैं लेकिन रोज हम कैरेट खा रहे हैं। हम सर्विंग तो ले रहे हैं, 3 to 5 सर्विंग तो ले रहे हैं, लेकिन रोज ही कैरेट खा रहे हैं। उसका क्या फायदा होगा, सिर्फ कैरेट्स के न्यूट्रिएंट्स तो हमें मिलेंगे, बाकी के न्यूट्रिएंट्स का क्या, वो किधर जाएंगे, वो हम कहाँ से पूरे करेंगे। तो एक ही चीज पे हमने कंसिस्ट नहीं रहना, हमने आगे हमने डिफरेंट चीजें खानी है, डेली अपनी डाइट को चेंज करना है, ताकि आपको आपकी बॉडी में ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो ना ज्यादा हो, आपकी बॉडी में सब न्यूट्रिएंट्स बैलेंस बने रहे, और आपको किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी पूरा करने के लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़े, आपको इंजेक्शन ना लगवाने पड़े। ठीक है जी, कि सबसे नीचे सबसे ज्यादा जो पार्ट था माय पायरामेट का, वो सीरियल्स और ग्रेन्स पे डिपेंड करता था। मतलब हमारी डेली डाइट का सबसे ज्यादा पार्ट कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, सीरियल्स, ग्रेन्स, पास्ता वगैरह ये चीजें होनी चाहिए। ग्रेन्स प्रोवाइड मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स एज स्टार्चेस, दे आल्सो प्रोवाइड सम प्रोटीन दैट नीड्स टू बी कंबाइंड विद लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, डेयरी और मीट टू बी कंप्लीट। 6 to 11 servings पर डे आर रिकमेंडेड। 6 to 11 servings हमारी डेली डाइट का सबसे ज्यादा पार्ट कार्बोहाइड्रेट्स पे डिपेंड करता है, ग्रेन्स पे डिपेंड करता है। अब ये एक डाइटिशियन के हाथ में है कि उसने किस तरह उन 6 to 11 servings को पूरे डे में उसने मैनेज करना है। उसने नाश्ते में कितनी सर्विंग्स देनी है, उसने लंच में कितनी देनी है, उसने डिनर में कितनी देनी है, ये एक अब ये एक डाइटिशियन के हाथ में है। 6 to 11 servings आपको बता दी गई कि आपने एक हेल्दी पर्सन के डाइट प्लान में ये पूरी करनी है। करनी कैसी है, अब ये एक डाइटिशियन को पता होना चाहिए।
अगर हम ग्रेन्स से ऊपर जाए ना तो हमें हमें वेजिटेबल का फिर मिलता है. वेजिटेबल्स प्रोवाइड विटामिंस मिनरल्स एंड फाइबर. सर्टेन वेजिटेबल्स सच एज पोटैटो आल्सो प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट एंड सम वेजिटेबल्स प्रोवाइड प्रोटीन which needs to be eaten with another protein food to be complete. Vegetables की 3 to 5 servings per day allow होती हैं. अब आप raw vegetable खाएं, salad बना के खाएं, पका के खाएं, ये boil करके खाएं, ये आपकी मर्जी, आपके dietitian की मर्जी, patient की मर्जी, वो जैसे मर्जी खाना चाहे. लेकिन कोशिश करें एक healthy person के वो अपनी diet में 3 to 5 servings vegetables की वो complete करें. Vegetables के बाद आते हैं fruits. Fruits provide different vitamins, minerals and fiber. They also provide sugars for quick energy. Half to 3/4 cup of 120 to 180 ml of fruit juice is the same as one serving. अच्छा अक्सर dietitians diet plan में आते हुए ना fruit juice इसमें शामिल करते हैं. हालांकि fruit juices से जितना हो सके avoid करना चाहिए. जो canned fruit juices होते हैं ना डब्बे वाले, वो तो एक तरफ, उनका तो जिक्र ही नहीं है. यहाँ पे जो हम अपने हाथ से निकालते हैं fresh juices, वो भी highly calorie और highly sugary होते हैं. तो एक बंदा जो डाइट पे है ना, जो अपना वेट लूज करना चाह रहा है, उसके लिए आप बेहतर है कि उसको फ्रूट जूसेस जो है वो रिकमेंड ना करें. उसकी वजह आप उसको वन सीजनल फ्रूट रिकमेंड करते हैं. उसका फायदा क्या होगा, एक तो हाई शुगर और हाई कैलोरी से वो बचेगा, दूसरा फ्रूट के साथ जो फाइबर है वो भी वो इंटेक करेगा, उसके फिर अलग से फायदे है. अगर हम उसका जूस बना लें तो फाइबर तो वैसे ही बीच में से निकल जाता है, पीछे रह जाता है सिर्फ मीठा और कैलोरीज. तो कोशिश करें कि फ्रूट जूस आपने अपनी डाइट प्लान में शामिल नहीं करना, स्पेशली वो बंदा जो डायबिटिक है और जो वेट लूज करना चाह रहा है. फ्रूट की 2 to 4 सर्विंग्स पर डे अलाउ होती हैं. और एक बात और ध्यान में रखें कि ये जो 2 to 4 सर्विंग्स पर डे अलाउ होती है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वो 2 to 4 सर्विंग्स एक ही टाइम खा लें. ऐसे भी नहीं करना, इसके भी अपने नुकसान होते हैं. करना क्या है, थोड़ा सा सुबह खाएं, थोड़ा सा दोपहर खाएं, थोड़ा सा शाम खाएं, इसको डिस्ट्रीब्यूट रखें. एक ही टाइम में सर्विंग्स पूरी नहीं कर लेनी. अगर आपको पास्ता की या सीरियल की 6 to 11 सर्विंग्स खाने को कहा हुआ है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप सुबह टाइम ही 11 पीस जो है वो ब्रेड के खा लें. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, हेल्दी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, इसी चीज़ का नाम डाइट प्लान होता है. और एक अच्छा डाइटिशियन वही है जो जानता है कि उसने ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, कि ये चीज़ें नुकसान ना दें पेशेंट को, ये चीज़ें फायदा दें उसको. नेक्स्ट वन है जी डेयरी प्रोडक्ट्स. Provide complete proteins and major minerals, particularly calcium. They are commonly supplemented with vitamin D and vitamin A. If dairy products are not consumed in a recommended amount, special efforts should be made to eat other calcium-rich foods or intake a calcium supplement. वही बात बार बार कि अगर आप लोग अपनी सर्विंग्स पूरी नहीं करेंगे, अपने डाइट प्लान में सर्विंग्स पूरी नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस मेजर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी. अब कैल्शियम जो है वो हर उम्र की वुमन के लिए बहुत जरूरी है, चाहे बच्ची हो, जवान हो, बुढ़ी हो, उसके जॉइंट्स, उसकी बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है. अगर आप लोग डेयरी प्रोडक्ट्स की 2 to 3 सर्विंग्स पूरी नहीं करते उसके डाइट प्लान में, उसकी बॉडी में तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी. फिर लेते रहो सप्लीमेंट्स, लेते रहो इंजेक्शंस. इंजेक्शन और सप्लीमेंट से लिए कैल्शियम का मुकाबला डाइट से लिए कैल्शियम के मुकाबले तो नहीं है ना, उन दोनों में तो बहुत फर्क है. तो अपनी सर्विंग्स आपने अपने डाइट प्लान में पूरी रखनी है ताकि किसी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो आपको. मीट प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी भी 2 to 3 सर्विंग्स ही अलाउ होती हैं. उसके बाद आ जाते हैं फैट्स एंड ऑयल्स. सबसे कम सर्विंग हमारी डेली के डाइट में, हमारे 24 घंटों में जो चीज़ हमने सबसे कम खानी है वो है फैट्स एंड ऑयल्स. और यहाँ पे हम खैर उल्टा ही चल रहे हैं, हम लोग सबसे ज्यादा फैट एंड ऑयल्स ही ले रहे हैं. स्प्रिंगली हमने इसको यूज करना है. कितना बनता है स्प्रिंगली, 1 टेबलस्पून पूरे डे में, 1 टेबलस्पून फैट्स हमने लेना है, 1 टेबलस्पून हमने ऑयल लेना है. एक हेल्दी पर्सन है जो अपना वेट जो है वो गेन नहीं करना चाहता, और सिर्फ वेट गेन की बात नहीं है, और भी फैट एंड ऑयल अगर हम ज्यादा लेना शुरू करते हैं तो कितनी डिजीज का हमें सामना करना पड़ सकता है अच्छी तरह सब लोग जानते हैं. तो इस स्प्रिंगली यूज करना है, इतना मतलब एक सर्विंग भी नहीं, 1 या 1/2 टेबल स्पून. ऐसा होता नहीं है, हमारी डेली की डाइट में बहुत ज्यादा जंक और बहुत ज्यादा फ्राई चीजें हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है ना माय पैरामीटर होल वर्ल्ड में वो इतना ही है, बिल्कुल थोड़ा सा फैट एंड ऑयल अगर आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं. अच्छा जी, हमने देखें, हमने प्रिंसिपल्स भी देख लिए हैं कि एक हेल्दी डाइट प्लान बनाने के प्रिंसिपल्स क्या हैं. हमने फूड ग्रुप्स भी देख लिए हैं और हमने सर्विंग्स भी देख लिए. हमें यह तो पता चल गया कि हमने कैसे न्यूट्रिएंट्स मैनेज करनी है, हमने कैसे सर्विंग्स मैनेज करनी है. अब हम जिसके लिए डाइट प्लान बना रहे हैं, हमने उस पर्सन को भी तो देखना है ना जिसके लिए हम डाइट प्लान बना रहे हैं. जब तक हमें उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा हमने कैसा डाइट प्लान डिजाइन करना है. अगर आपके सामने एक पर्सन खड़ा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन जो है वो ओवरवेट है, अंडरवेट है, नॉर्मल वेट है. एक तो उसकी फिजीक बता देगी, चलो सही है, वो स्मार्ट होगा तो मतलब वो अंडर वेट है या नॉर्मल वेट है.
लेकिन हर बंदे की फिजीक उसके वेट से मैच नहीं करती. मेन में मोस्टली जो होती हैं वो उनके वेट ज्यादा होते हैं लेकिन उनकी फिजीक ऐसी होती है कि वो लगते नहीं है ओबीस, क्योंकि उनमें मसल वेट ज्यादा होता है. तो क्या चीज हमें बताएगी कि ये सामने खड़ा बंदा जो है ये ओवर वेट है या अंडर वेट है? ये हमें बताएगा BMI, बॉडी मास इंडेक्स. वॉट इज BMI? इट इज अ मेजर ऑफ बॉडी फैट बेस्ड ऑन योर वेट इन रिलेशन टू योर हाइट. हमारे हाइट और वेट को मेजर करके जो हमारी बॉडी फैट जो मेजर की जाती है ना हाइट और वेट के जरिए, उसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स. ये देखें बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला. बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. हमने सामने खड़े पर्सन का वेट ले लेना है, उसकी हाइट ले लेनी है. वेट इन केजी तो हमारे पास आ गया. हाइट हमारे पास मोस्टली जो होती है ना वो फीट में और उसमें आती है इंचीज में. तो उसको सबसे पहले आपने सेंटीमीटर में करना है कन्वर्ट, और फिर मीटर में, और फिर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे अब एक एग्जांपल देखें, आप सबको शो हो रही होगी कि एक पर्सन है जिसके एक अडल्ट पर्सन का जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर और वेट 7.5 kg. हमने उसका BMI कैसे कैलकुलेट करना है? तो सबसे पहले तो उसका जो 180 सेंटीमीटर हाइट है ना उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है डिवाइडेड बाय 100. वो हमें मीटर में मिल जाएगी 1.8 मीटर. 1.8 मीटर को हम उसको हम स्क्वेयर ले लेंगे मीटर स्क्वेयर में करने के लिए. हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.24. तो 75 उसका केजी है और 3.24 उसकी हाइट इन मीटर स्क्वायर है. हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है 23.15. एट द एंड हमारे पास BMI आ रहा है 23.15. ठीक है, एक वैल्यू तो हमें मिल गई 23.15, एक वैल्यू हमारे पास आ गया. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये BMI किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? ये BMI आइदर इट इज और नॉर्मल वेट, आइदर ओवर वेट, ओबीज 1 2, हमें कैसे पता चलेगा? तो पूरे वर्ल्ड में ये एक स्टैंडर्ड चार्ट जो है ये सर्कुलेट करता है. BMI की क्लासिफिकेशन इस चार्ट में की हुई है. आप सबको शो हो रहा होगा कि अगर तो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो लेस देन 18.5 है तो उसका मतलब है कि पर्सन जो है वो अंडरवेट है, उसको कैलोरीज की नीड है, उसको उसका वेट, उसको वेट गेन करने की नीड है. अगर तो उसका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 24.9 में आ रहा है ना तो फिर वो नॉर्मल रेंज में है, उसको ना लूज करने की जरूरत है ना गेन करने की जरूरत है, ही इज ओके, ही कैन एंजॉय हिज लाइफ. अगर तो 25 से 29.9 पे आ रहा है ना तो मतलब वो बंदा जो है वो ओवरवेट है, ओबीज नहीं, ओवरवेट, स्लाइटली वो अपने नॉर्मल वेट से ज्यादा है, तो वो एट रिस्क है. तो अगर वो यहीं पे कंट्रोल कर लेगा ना तो वो ओबीज होने से बच जाएगा. ये एक अलार्म सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो अपने आप को इधर ही रोक ले. जब BMI जो होता है वो अबव 30 चला जाता है ना तो फिर जो पर्सन है वो ओबीज हो जाता है, फिर हम उस पर्सन को कहते हैं मोटा. 30 to 34.9 ओबीस क्लास 1 होती है, 35 to 39.9 ओबीस क्लास 2 होती है, और मोर देन 40 ओबीस क्लास 3 होती है, जो कि बहुत रेयर होता है क्योंकि बहुत ज्यादा फिर बंदा मोटा हो जाता है. अब हमारे पास ऊपर आप देखें कि आई थी 23.15 BMI. अब आप अपने चार्ट में देखें कि 23.15 जो है वो किस रेंज में फॉल कर रही है. वो फॉल कर रही है 18.5 to 24.9 में, मीन्स नॉर्मल रेंज. तो हमें पता चल गया कि हमारे सामने जो पर्सन खड़ा है वो नॉर्मल है, वो ओवर वेट भी नहीं है, वो अंडर वेट भी नहीं है, उसको वेट लॉस या वेट गेन करने की कोई जरूरत नहीं है. BMI हमें अच्छे से बता देता है कि आपके सामने खड़े बंदे का, आपके पेशेंट को वेट लॉस या वेट गेन करने की कितनी जरूरत है. अच्छा, ये तो हो गया एक पर्सन बंदे का. आपको चलिए अब एक पर्सन ऐसा आपके पास आया है जो कि ओवर वेट है, आपको पता चल गया कि उसका वेट ओवर वेट है, लेकिन अब आपने ये पता चलाना है कि उसका वेट होना कितना चाहिए. है तो वो ओवर वेट, उसने वेट लॉस करना है लेकिन उसका वेट होना कितना चाहिए. उस बंदे की हाइट के हिसाब से, उस बंदे की हाइट को ध्यान में रखते हुए उसका वेट कितना होना चाहिए, उसको कहते हैं आइडियल बॉडी वेट या हेल्दी बॉडी वेट. आइडियल बॉडी वेट की बेसिकली कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती क्योंकि ये हर बंदे का जो होता है ना वो डिफरेंट होता है. हर बंदे का आइडियल बॉडी वेट डिफरेंट होता है उसकी हाइट के हिसाब से. फिर भी आइडियल बॉडी वेट ना इन तीन चार चीजों की से आइडियल बॉडी वेट को हम डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सेप्टेबल बॉडी मास इंडेक्स. आप उसका आइडियल बॉडी वेट देखने से पहले आप उसका BMI देखें. अगर तो वो नॉर्मल रेंज में है तो फिर मतलब है कि उसका आइडियल बॉडी वेट भी ठीक है, वो उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है हमें. अगर तो वो BMI ज्यादा हो रहा है, ओवर वेट में आ रहा है, तो मतलब आपको मतलब वो अपने आइडियल बॉडी वेट में फिट नहीं है. अब आपको उसको जरूरत है कि आप उसको एक हेल्दी डाइट प्लान बना के दें. सेकंड वन आ जाता है जी बॉडी कंपोजिशन विद एन एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ बॉडी फैट. अगर आपकी बॉडी की फिजीक ऐसी है कि आपकी बॉडी में कहीं भी जो फैट है वो एक जगह मतलब स्टोर नहीं है, मींस उसे पूरी बॉडी की फैट पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हुई है, बंदा कहीं से भी मोटा नहीं लग रहा, ना उसके बाजुओं पे चर्बी जमा हुई है, ना टांगों पे चर्बी जमा हुई है,
तो फिर उसका मतलब कि अपने वो आइडियल बॉडी वेट, अपने हेल्दी बॉडी वेट में वो फिर फिट हो रहा होता है. फैट डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज नॉट एट रिस्क फैक्टर फॉर इलनेस. उसकी बॉडी में कहीं भी ऐसी जगह भी फैट नहीं जमा हुई, लाइक एब्डोमिनल फैट नहीं है जो कि बीमारियों का बाइस बन सके, उसको कोई लाइफ सेटिंग डिसऑर्डर का कास बन सके, ऐसी जगह पे फैट वहां पे नहीं जमा हुई तो भी वो बंदा अपने आइडियल बॉडी वेट में फिट है. और उसको एब्सेंस ऑफ एनी मेडिकल कंडीशन, उसको ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है कि उसको अपना वेट लॉस करना पड़े. उसको बीपी नहीं है, उसको शुगर नहीं है, वो ओबीस नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि उसको अपना किसी भी रीजन से वेट लॉस करना पड़े तो भी वो बंदा आइडियल बॉडी वेट में अपने फिट हो जाता है. ये तीन चार चीजें हैं जो आइडियल बॉडी वेट को डिफाइन करती हैं. अब नेक्स्ट चीज कि हमने आइडियल बॉडी वेट जो है वो फाइंड कैसे करना है. तो ये तो फार्मूलाज होते हैं, मेल्स का फार्मूला अलग है, फीमेल्स का फार्मूला अलग है. सबसे पहले तो हमने ना उस जो आपका पेशेंट है उसकी हाइट ले लेनी है, फीट और इंचेस में उसकी हाइट ले लेनी है. 50 केजी जो है वो तो एक मेंस के लिए 50 और फीमेल्स के लिए 45.5 केजी, ये एक स्टैंडर्ड फिगर है. उसके बाद रहता है प्लस 2.3 जी, प्लस 2.3 मल्टीप्लाई बाय ईच इंच ओवर 5 फीट. 5 फीट से ऊपर जितने भी इंचेस है ना उनको हमने 2.5 से पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने उसमें उसको 50 में प्लस कर देना है. नीचे आप एग्जांपल देखिए, इफ अ मेल हैज हाइट 5 फीट 9 इंचेस, उसका आईबीडब्ल्यू आइडियल बॉडी वेट क्या होगा. तो क्या करना है कि मेल है तो हमने ऊपर वाली इसकी इक्वेशन लेनी है मेल्स वाली. 50 तो एक स्टैंडर्ड है ना वैल्यू, वो तो हमने एक तरफ रख लेनी है. हमने देखना ये है कि 5 फीट से इंचेस कितने ज्यादा हैं आगे, 9 इंचेस ज्यादा हैं 5 फीट से, तो 9 इंचेस को हमने 2.3 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसको 50 में प्लस कर देना है. तो जो हमारे पास फिगर आएगी ना वो उस बंदे का उसकी हाइट के हिसाब से आइडियल बॉडी वेट होगा, हेल्दी बॉडी वेट होगा, 70.7 केजी बॉडी वेट होगा. इस बंदे का बॉडी वेट कितना, अभी आपके पास जो पेशेंट है ये उसका कितना भी हो, उसका हो सकता है 80 हो 90 हो वेट, लेकिन उसका आइडियल बॉडी वेट होना कितना चाहिए, 70.7. तो आपने इस वेट को जहन में रखते हुए उसका डाइट प्लान जो है वो आपने बैलेंस करना है, वो आपने डिजाइन करना है. ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाता है जी बेसल मेटाबोलिक रेट, BMR. बॉडी कन्वर्ट्स व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक इनटू एनर्जी. इन सिंपल वर्ड अगर मैं बताऊं BMR क्या है, तो BMR ये है कि हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी रेस्ट के दौरान जो कैलोरीज जो है वो बर्न कर रही होती है ना उसको BMR कहते हैं. ड्यूरिंग रेस्ट भी हमारी बॉडी में काफी फंक्शंस हो रहे होते हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, हमारी ब्रीथिंग, सर्कुलेटिंग ब्लड हो रही है, हार्मोन लेवल एडजस्ट हो रहे हैं, हमारे सेल्स में रिपेयरिंग हो रही है, ग्रोइंग हो रही है. ये सारी चीजें जो है, ये अगर बंदा सो रहा है बैठा हुआ है तो ये सारे फंक्शंस जो है ये बॉडी में हो रहे हैं. ये फंक्शंस प्रॉपरली होने के लिए भी हमें एनर्जी की नीड है ना, तो इन सारे फंक्शंस में हमारी जो बॉडी जो कैलोरीज बर्न करती है उस चीज को कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट. बेसल मेटाबॉलिक रेट फाउंड करने के लिए हैरिस बेनेडिक्ट फार्मूला होता है, ये भी मेंस के लिए डिफरेंट होता है, फीमेल्स के लिए डिफरेंट होता है. हैरिस बेनेडिक्ट फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें पेशेंट की 4 इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेट, देन हाइट, एज और जेंडर, ये 4 चीजें हमें उस पर्सन की रिक्वायर्ड होती हैं. तो फिर हमने उस ये 4 चीजें जब हमें मिल जाती हैं, वेट हमें जो चाहिए वो केजी में चाहिए, हाइट हमें सेंटीमीटर में चाहिए और एज हमें इयर्स में चाहिए. अब लेट्स सपोज, अब यहाँ पे देखें आपको एक एग्जांपल शो हो रही होगी कि एक ऐसा पर्सन है जिसका वेट जो है वो 54 केजी है, एज जो है वो उसकी 30 ईयर्स और हाइट उसकी 5 फीट 4 इंचेस है. तो हमने इस इक्वेशन में उसको फिट कर देना है सारी इंफॉर्मेशन को. 66 प्लस 13.5 इंटू वेट इन केजी, वेट इन केजी क्या है इसका 54, 5 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर, यहाँ पे हाइट 5 फीट 4 इंचेस में दी हुई है, हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना, वो आ जाता है 162. माइनस 6.8 इंटू एज इन ईयर्स दी हुई है 30. इन सबको जब हम लोग करेंगे ना कैलकुलेट, तो हमारे पास एक फिगर आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे 1421.99 कैलोरीज. ये कैलोरीज की एक फिगर आ गई है, ये कैलोरीज उसको पूरे दिन में रिक्वायर्ड है एक पर्सन को, एक ऐसा हेल्दी पर्सन जिसको कोई बीमारी नहीं है, जो सेडेंट्री है, बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं है, जो के एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा नहीं करता, लेकिन वो ठीक है, उसको किस किस्म का कोई मेडिकल इशू नहीं है, उसको एक पूरे दिन में 1421 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, फिर टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर भी यही होता है, वो ज्यादा उन लोगों के लिए होता है जो कि एथलीट्स होते हैं या फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, फिर उसको ना हम लोग एक स्पेशल फिगर्स होती है 1, 1.2, 1.3 उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट आ रहा है ना, इसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. लेकिन यहाँ पे हमने सेडेंट्री
हेल्दी पर्सन की बात करनी है तो यहाँ पे उसका टोटल पूरे दिन की एनर्जी रिक्वायरमेंट 1421 हमारे पास आ गई है। तो आप अपने ऐसा डाइट प्लान अपने अरेंज करना है कि ये उसकी कैलोरीज इस फिगर से ज्यादा ना हो, इससे 100-150 कैलोरीज हमने कम ही रखनी है, इससे हमने ज्यादा नहीं करनी। उसके बाद आ जाता है जी फ्लूड रिक्वायरमेंट और प्रोटीन रिक्वायरमेंट। एक हेल्दी पर्सन की फ्लूड रिक्वायरमेंट वैसे तो 10-12 ग्लास ही होती है, एक हमने उसका वेट ले लेना है। लेट्स सपोज उसका वेट जो है वो 82 kg है, 82 kg में से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो 20 माइनस कर देना है, जो आंसर हमारे पास आएगा लाइक 62 आ रहा है, 62 को हमने अगेन 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो आंसर आएगा जैसे 1240 आ रहा है उसको हमने उसमें हमने 1500 ऐड कर देना है, उससे जो आंसर आएगा वो कहाँ पे आ रहा है, सॉरी अच्छा जी यहाँ पे आंसर आ रहा है 274। आप लोग काइंडली अपने माइक अनम्यूट कर दें, अगर कोई कुछ कहना चाह रहा है तो फिर बताएं मुझे। ठीक है जी, तो आंसर यहाँ पे आ रहा है 2740 ml। 2740 ml एक पर्सन की जो है वो फ्लूड रिक्वायरमेंट होती है। अब हमने ये देखना है कि ये 2740 ml कितने ग्लास बनते हैं। एक स्टैंडर्ड जो ग्लास होता है वो 250 ml का होता है, तो हमने 2740 को 250 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास 10 ग्लासेस पर डे इस पर्सन की हमें फ्लूड रिक्वायरमेंट पता चल गई है, 10 ग्लासेस पर डे। इतना ज्यादा वैसे खपने की जरूरत नहीं होती, वैसे नॉर्मल भी जो एक अडल्ट की फ्लूड रिक्वायरमेंट है वो 10-12 ग्लासेस ही होती है। उसके बाद आ जाता है सेकंड वन इज प्रोटीन रिक्वायरमेंट। प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है एक पर्सन की, प्रोटीन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला है 1 g/kg/day, मींस जितना एक पर्सन का केजी में इन केजीज वेट है ना उतने ग्राम उसको प्रोटीन रिक्वायर है पूरे पूरे डे में। अगर पर्सन का वेट 82 kg है तो उसको 82 g प्रोटीन ही रिक्वायर्ड है एक पूरे दिन में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आ रहा है AMDR, acceptable macronutrients distribution ranges. अब ये क्या है? A key component of the recommendation for macronutrients is how they are distributed in the diet. ये तो हमें सबने बता दिया कि हमें एक healthy diet plan बनाने के लिए carbohydrates, fats, proteins हमने उसको provide करनी है। इन तीनों macronutrients की range कितनी होनी चाहिए? कितनी quantity में हमने ये देनी है? हमारी daily के जो calories हैं, वो Let's suppose, अगर एक पर्सन की डेली कैलोरी 2500 है तो कितनी कैलोरीज उसमें से प्रोटीन की हों, कितनी फैट की हों, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स की हों, ये हमें ये AMDR बताता है। एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन जो है ना उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली की वो 10-35% होती है, उसकी फैट रिक्वायरमेंट जो है वो 2-35% होती है, कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट 45-65% होती है। इसी चीज को हमने ध्यान में रखते हुए आगे हमने कैलोरीज में देखना है कि कैलोरीज में ये चीजें हमने कितनी कितनी उस पर्सन को देनी है। लेट्स सपोज एक पर्सन की कैलोरी नीड है 3000 कैलोरीज। अब हमने प्रोटीन की कैलोरीज हमने कैसे निकालनी है, तो आप दोबारा लास्ट स्लाइड में आए तो आप देखें कि प्रोटीन जो हमें वो 10-35% रिक्वायर्ड है। ठीक है, 10-35% रिक्वायर्ड है, तो हमने इनमें से ही कोई एक रैंडम फिगर चूज कर लेनी है। हम चूज कर लेते हैं 15 मोस्टली, ऐसा कुछ हो ना 10-35 तो इसके दरमियान में से हम एक फिगर उठाते हैं, इसके बिल्कुल तो इसके दरमियान में 15 है, तो 15 हम लोग ले लेते हैं। तो हमने कैलोरीज जो है ना 3000 कैलोरीज हैं उसको 15 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है और 100 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास जो कैलोरीज आएंगी ना यहाँ देखिए 450 कैलोरीज आ रही है। तो इसका मतलब है कि डेली एक पर्सन की 450 कैलोरीज है वो प्रोटीन फूड पे बेस होनी चाहिए। हमने उसको इतनी प्रोटीन देनी है कि उसकी डेली की 450 कैलोरीज पूरी हो जाए, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। आपको पता होगा कि एक जो प्रोटीन 1 g प्रोटीन जो है वो 4 कैलोरीज देती है, तो अगर हम इस 450 को 4 से डिवाइड कर देना तो हमारे पास ग्राम में भी प्रोटीन का हमें पता चल जाएगा कि ग्राम में हमने 112.5 ग्राम्स को देना है, ग्राम्स में हमने 112.5 देना है और कैलोरी हमने 450 उसकी पूरी करनी है प्रोटीन फूड से। उसके बाद आ रहा है फैट्स। अब आप पिछली स्लाइड पे जाएं और देखिए कि फैट हमें कितना रिक्वायर्ड है, हमें 20-35% फैट रिक्वायर्ड है एक हेल्दी पर्सन को। ठीक है, कोई डिजीज्ड पर्सन को नहीं, कोई बीपी शुगर वाले पर्सन को नहीं, हेल्दी पर्सन को। तो हम यहाँ पे 30 एक फिगर उठा लेंगे, कैलोरीज को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 900 कैलोरीज आ जाएंगी हमारे पास, जो हमने डेली की उसको फैट से हमने उसकी पूरी करनी है। अब फैट जो है 1 g फैट 9 कैलोरी देता है, तो अगर हम 900 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 g आ जाएगा, मीन्स ग्राम्स में हमने उसको 100 g फैट देना है और कैलोरीज जो है वो 900 है जो हमने उसकी फैट से पूरी करनी है। एट द एंड कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है जो कि हमारी डेली की डाइट का सबसे ज्यादा पार्ट होता है।
तो हमारी डेली की सबसे ज्यादा कैलोरीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट फूड्स पे डिपेंड करती हैं। अब देखिए लास्ट स्लाइड में कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो 45 टू 65 हमें चाहिए, तो हम कैलोरीज को 55 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो कैलोरीज आ रही है ना वो 1650 आ रही है, 1650 कैलोरीज उसकी डेली की कार्बोहाइड्रेट फूड पे डिपेंड करेंगी, उसकी 900 कैलोरीज फैट पे डिपेंड करेंगी और प्रोटीन पे उसकी करेंगी 450 कैलोरीज। ठीक है, इस तरह जो कार्बोहाइड्रेट है उसका 1 ग्राम भी हमें 4 कैलोरीज देता है, तो हम जो 1650 कैलोरीज है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे ग्राम्स में आ जाएगा 412 ग्राम्स, जो हमने कार्बोहाइड्रेट एक हेल्दी पर्सन की डाइट में हमने शामिल करना है। देखिए BMI, BMR, आइडियल बॉडी वेट, AMDR, कितना कुछ हमने देखा है सिर्फ एक सिंपल डाइट प्लान बनाने के लिए। ये सारी चीजें जो है ना ये आप लोगों की फिंगर टिप्स में होनी चाहिए अगर जब आपने एक हेल्थी पर्सन का डाइट प्लान क्रिएट करना है। हमने प्रिंसिपल्स भी देख लिए, हमने फूड ग्रुप्स भी देख लिए, हमने पर्सन की हमने नीड्स भी देख ली, हमने सारा कुछ देख लिया। एक हेल्दी डाइट प्लान बनाने के लिए अब एक डाइटिशियन जो है ना वो बिल्कुल रेडी है, ये सारी चीजें सीखने के बाद आपने एक प्रॉपर हेल्दी डाइट प्लान बना के अपने पेशेंट को दे दिया है। अब आपका पेशेंट जो है वो नखरे कर रहा है, मैं तो ये नहीं खाता, मैं तो वो नहीं खाता, मैं तो दूध ही नहीं पीता, लेकिन आपने उसकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट जो 100 कैलोरीज दूध के ग्लास आपने उसको देनी है वो तो हर सूरत पूरी करनी करनी है। वो दूध नहीं पीता तो फिर आप क्या करेंगे? अब वो नखरे कर रहा है मैं तो सीरियल्स में, आपने उसको रोटी देनी है, वो कह रहा है मैं तो नाश्ते में रोटी खाता ही नहीं, जिद करके बैठ गया। फिर इस चीज को, इस प्रॉब्लम को जो चीज सॉल्व करती है वो है फूड एक्सचेंज लिस्ट। क्या है फूड एक्सचेंज लिस्ट? एक्सचेंज लिस्ट आर ग्रुप्स ऑफ फूड्स दैट कंटेन रफली द सेम मिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कैलोरीज। इन सिंपल वर्ड्स कि आपको सेम कैलोरीज और सेम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट फूड्स, आपकी फूड चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप कैरेट, वो पर्सन आपने उसके डाइट प्लान में कैरेट ऐड किया, कैरेट तो खा नहीं रहा, वो कह रहा मैंने कैरेट नहीं खानी, तो आपने सेम न्यूट्रिएंट और सेम कैलोरीज वाली कोई दूसरी वेजिटेबल उसको दे देनी है। इस चीज को कहते हैं फूड एक्सचेंज लिस्ट। अब आप ये एग्जांपल देखें फूड एक्सचेंज लिस्ट की, यहाँ पे सीरियल एक्सचेंज लिस्ट अगर आपको शो हो रही हो कि एक पर्सन अगर कह देना मैंने सुबह के टाइम मैंने ब्राउन ब्रेड नहीं खानी, तो अब आप ये देखें कि आपके पास कितनी ज्यादा चॉइसेस हैं जिनकी कैलोरीज 100 ही हैं। ये सारी सारी जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये राइस, व्हीट फ्लोर, दलिया, सागुदाना, व्हाइट फ्लोर, ये सारी ये 30 ग्राम, ये 20 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट फ्राम कर रही है, 2 ग्राम प्रोटीन फ्राम कर रही है और कैलोरीज जो है वो 100 वो प्रोवाइड कर रही है। इतनी सारी चीजें, कितनी वरायटी है आपके पास कि आप एक अच्छा, आप एक प्रॉपर हेल्दी डाइट प्लान आप डिजाइन कर सके। उस पर्सन की नीड के मुताबिक, उसकी पसंद के मुताबिक, वो जो खाना चाह रहा है, जो अच्छे एक एक आपका पेशेंट, आप अपने पेशेंट को डाइट प्लान में वही सब दे जो वो इजीली इंटेक कर सकते हैं, ना कि वो जो आप उसको इंटेक जबरदस्ती करवाएंगे। इस चीज का भी उसकी साइकी पे, उसकी बॉडी पे एक डिफरेंट इफेक्ट होगा। तो आप अब देखें कि एक डाइटिशियन को कितनी ज्यादा आसानियां इस एक फूड एक्सचेंज लिस्ट ने दे दी है। नेक्स्ट अगर आप फूड एक्सचेंज लिस्ट देखें तो वो है वेजिटेबल्स की। आप देखें कि कितनी वेजिटेबल्स हैं जिनकी जो है कैलोरीज 50 ही हैं। अगर एक पर्सन बीट रूट नहीं लेना चाह रहा लेकिन आपने उसकी 50 कैलोरीज पूरी करवानी है, तो आप उसको कैरेट दें, अनियन दें, पोटैटो दें, स्वीट पोटैटो दें, कुछ भी दें, लेकिन उसकी कैलोरीज और उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे करवा दें। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें अब आपने देखी, सारी चीजें अब आपके माइंड में है। अब आप देखें एक हेल्थी पर्सन का डाइट प्लान, एक पर्सन ऐसा जो है जो जिसका वेट जो है वो 74 kg है, जिसकी हाइट जो है वो 5 feet 8 inches है, उसकी एज जो है वो 31 years है, उसका BMI, IBW, BMR सारा कुछ ऑलरेडी जो है उसका कैलकुलेट किया हुआ है। आप देखें कि उसको कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज जो है ना वो 952 देनी है, प्रोटीन कैलोरीज उसकी 259 है और फैट कैलोरीज 519 है। इन कैलोरीज की बेस पे आपने उसका एक डाइट प्लान बनाना है, तो एक डाइट प्लान ये बना हुआ आपको नजर आ रहा होगा। हमने उसको प्री ब्रेकफास्ट में 1 ग्लास गर्म पानी और 1 टेबलस्पून एक एक चीज में आपको और कर दूं कि इसका जो वेट है वो 74 kg है और IBW अगर आपको नजर आ रहा हो तो 68 kg है, मींस ये स्लाइटली ओवरवेट है। तो अगर इसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट देखिए 1732 है ना, 1732 इसकी कैलोरीज है, तो आपने क्या करना है, इसका डाइट प्लान ऐसा आपने क्रिएट करना है कि उसकी कैलोरीज 1500 तक रह जाएं, 200-250 कैलोरीज आप उसमें से लेस कर दें ताकि जो वो स्लाइटली ओवरवेट है ना वो भी वो अपने नॉर्मल वेट में आ जाए। आप देखें अब प्री ब्रेकफास्ट में हमने उसको गर्म पानी और 1 टेबलस्पून हनी दे दिया है, ब्रेकफास्ट में 2-3 स्लाइस ऑफ ब्रेड, 1 egg, 1 cup of yogurt, 1 cup of tea दे दिया है। अब ये डाइट प्लान आप देखें ना, तो इसमें पूरे डे में उसकी सीरियल्स की भी, उसकी वेजिटेबल्स की भी, फ्रूट्स की भी, उसकी कैल्शियम की भी सब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं एक हेल्दी पर्सन की।
तो एट द एंड ऐसा आपने डाइट प्लान क्रिएट करना है इन सारी चीजों की। मैं आपको एक फिंगर एक टिप पॉइंट बता देती हूँ अब सारी सारी बातों का, कि एक टिप पॉइंट क्या है एक हेल्दी प्रॉपर डाइट प्लान क्रिएट करते हुए। तो वो टिप पॉइंट ये है, बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बस और कुछ भी नहीं। अगर आपको पूरे डाइट में बैलेंस न्यूट्रिएंट्स बैलेंस करने आते हैं ना, आपको पता हो कि आपने कहाँ न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होने देनी, कहाँ ज्यादा नहीं होने देनी, तो आप बेस्ट डाइटिशियन हैं और आप अच्छा डाइट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।